नमस्कार। तो ये अपडेट है उत्तराखंड एमबीबीएस एडमिशंस को लेते हुए। तो बहुत हलचल हो रही है उत्तराखंड में। जैसा हम जानते ही हैं कि पहले वहां तीन प्राइवेट सरकारी कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन इस साल चौथे को काउंसलिंग शुरू होने से जस्ट पहले परमिशन दे दी गई थी, और जिसका नाम हम जानते ही हैं अल्मोड़ा खोला गया है, शोभन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस अल्मोड़ा। अब एक और नई सूचना आ गई है, और वो ये है कि एक तीसरा प्राइवेट कॉलेज गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय, जो कि देहरादून के पास ही पड़ता है, मेन सिटी सेंटर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। एक्चुअली इसकी लोकेशन काफी अच्छी है, और इसको भी परमिशन दे दी गई है 150 सीटों के लिए, जिसमें से 75 सीटें उत्तराखंड स्टेट कोटा के बच्चों को दी जाएंगी, 75 सीटें ऑल इंडिया के लिए अवेलेबल है। मुद्दे की बात यह है कि फीस इन्होंने 9,78,000 रुपये रखी है। फीस अभी सेम रखी हुई है, ट्यूशन फी आप देखेंगे कि वन टाइम चार्जेस या रिफंडेबल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो 2 लाख एडमिशन, वन टाइम चार्ज, 5 लाख की रिफंडेबल सिक्योरिटी है। लेकिन अगर आप टोटल आप देखेंगे तो तकरीबन 10 लाख की ट्यूशन फी या 9,78,000, 3,60,000 हॉस्टल और मेस, 50,000 एग्जाम फी जो कि पर एनम है। तो इनको आप फिलहाल जोड़ लें तो ये तकरीबन आपको दिखेगा कि भाई हमारा काम 14 लाख रुपए में हो रहा है। उसके अलावा डेफिनेटली 2 लाख का एडमिशन चार्ज है, सीम्स वेरी रीजनेबल। 4.5 साल में 67-68 लाख रुपीज लगेंगे, खासकर जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं आपका श्री गुरु राम राय से और बाकी इंस्टीट्यूट से, जहां पर फीस बहुत ज्यादा है। उत्तराखंड में पैकेज 90 के ऊपर जाता है, यहाँ पर जो हमें पैकेज है वो 67-68-70 में होता नजर आ रहा है। तो एक लॉटरी है, और चूंकि ये कॉलेज अभी भी ऐड हुआ है इसलिए इसका शेड्यूल अपडेट कर दिया गया है। पहले ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था ये परसों खत्म हो जाना था, लेकिन अब इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है कल दोपहर को 2 बजे तक। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उत्तराखंड में 1 लाख रुपए अभी जमा हो जाएगा, अब तो वैसे भी राउंड टू है। और एक बात मैं रिवाइज करा दूं कि जिन लोगों को राउंड वन में सीट मिली थी या नहीं मिली थी, वो राउंड टू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको भी एक री रजिस्टर करना होता है। जी हाँ, अगर आप फिर से इसकी होम पेज पे जाएंगे तो आपको ये नजर आएगा, जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ये मत सोचिएगा कि ये देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन राउंड वन एंड वॉन्ट टू री रजिस्टर, तो ये वो लोगों के लिए हो गया जिनको सीट मिली है या चाहे नहीं मिली है, वो भी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, इसको आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन री रजिस्टर करना है, ये इस बात का ध्यान रखेगा। जैसा कि मैंने कहा कि सीटें आ गई हैं, उसके बाद ये पूरा शेड्यूल उत्तराखंड का, क्योंकि ये नया कॉलेज आया है तो 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। स्टेट मेरिट लिस्ट 28 तारीख को आ जाएगी, मतलब कल ही रात को, और फिर चॉइस फिलिंग तारीख जो पहले 27-28 थी वो अब इन्होंने चेंज करके हमें 2 मार्च तक का समय दिया है। 4 मार्च को डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है और 10 मार्च तक बाकी काम है। सो 2 दिन डिले हो गया है उत्तराखंड, क्योंकि ये नया कॉलेज ऐड हुआ है, गौतम बुद्ध चिकित्सालय। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊँ इस कॉलेज का। 4 साल पहले भी कॉलेज एग्जिस्ट करता था, जी हाँ, 5-6 साल पहले, और ये बीच में बंद हो गया था बिकॉज ऑफ बैड क्वालिटी। इसके बच्चों को एडजस्ट किया गया था दूसरे कॉलेजेस में, और अब इतने से दोबारा से इस कॉलेज को रीलॉन्च किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा, लोकेशन कॉलेज की ठीक ठाक है, क्योंकि ये देहरादून के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, बहुत दूर नहीं है। प्रॉपर यूनिवर्सिटी चल रही है, राज बिहारी बोस भारती यूनिवर्सिटी, उसी के अंदर ये कॉलेज है, तो बाकी भी कोर्सेज होते हैं, सब कुछ ठीक है। आपको लग रहा होगा देहरादून एक अच्छा शहर है, दोबारा से लॉन्च किया गया तो फिर से पहला साल है, तो एमसी के केस में परमिटेड में गिना जाएगा, तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो दिक्कत क्या है? ये दिक्कत ये है, जिसके लिए बदनाम है उत्तराखंड के प्राइवेट कॉलेजेस, और ये आपको ये बताया जा रहा है कि 75 सीटें कॉलेज की आ गई हैं, और हम जानते ही हैं कि ये 35 सीटें फिलहाल गुरु राम राय और 28 सीटें जॉली ग्रांट में अवेलेबल हैं। देखिए इसमें वो भी बच्चे हैं जो अपग्रेड के लिए मांगा होगा, लेकिन राउंड वन में 28 बच्चे ऐसे थे जिन्हें जॉली ग्रांट मिला था और उन्होंने नहीं रिपोर्ट करा, क्योंकि उत्तराखंड में राउंड वन भी फ्री एग्जिट होता है, आपसे लाख रुपए लिए गए थे, तो क्या पता है बच्चे भी दोबारा आ जाएं। मोस्टली हमें मान सकते हैं कि गुरु राम राय के बच्चे यहाँ पर आएंगे, और ये 28 के 28 वैकेंसीज गुरु राम राय में दिखेंगी,
गुरु रामराय में आपके पास तकरीबन 60-65 सीटें अवेलेबल हैं, 75 सीटें गौतम बुद्धा में अवेलेबल हो गई हैं, पर गुरु रामराय में ऑलरेडी जो पैकेज है जो दिखाई दे रहा है वो 91 लाख के ऊपर है, क्योंकि हम जानते ही हैं उसका फी स्ट्रक्चर है हिमालयन का है। और मैं गुरु रामराय का अभी आपको दिखा देता हूँ। तो समस्या क्या है, समस्या देखिए ये है कि जब भी ये आती है इसमें एक बड़ा अजीब सा नोटिस आता है जो ध्यान रखना होता है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि फीस फिक्स्ड है, हमेशा ये होता है कि ये फीस है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है उत्तराखंड की। और ये बहुत नोट करने वाली बात हमेशा रहती है कि उत्तराखंड थोड़ा सा बदनाम है अपनी फीस को लेके और अपने पॉलिसीज को लेके। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा हो सकता है कि हम ये सोच के चले कि फीस जो है वो 9 लाख रुपए है साल की। मैं उस पेपर को ढूंढ रहा हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ ये स्पेशली लिखा हुआ है। इसी के नीचे देखिए, ये जो उत्तराखंड का शासन अधिकार आया है, ये जो फीस है ये 1 साल के लिए फिक्स है, इस बात को नोट कीजिएगा। इसका मतलब ये है, जो मैंने कहा कि उत्तराखंड काफी बदनाम रहा है खासकर ये पर्टिकुलर कॉलेज, पता चले कि अगले साल अगर आपसे 12-13 लाख रुपए साल के मांग ले तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, समझे आप बात को, वरना आप कॉलेज छोड़ के जाएंगे। उत्तराखंड के कॉलेजेस में कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा कीजिए। खासकर जो नया कॉलेज आ रहा है जो फिलहाल सिर्फ 10 लाख में लॉन्च कर रहा है अपने आप को, मुझे पूरा डाउट है कि अगले साल तक आते आते ये राम राय के बराबर ना आ जाए। और फिर चूंकि इसका हॉस्टल तो महंगा है ही, ये 3,60,000 रुपये मांग रहा है हॉस्टल और मेस के, जो श्री गुरु राम राय भी मांगता है लेकिन जॉली ग्रांट नहीं मांगता। अगर आप देखेंगे तो इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो नया कॉलेज है इसमें भी आपका पैकेज 90-95 करोड़ पहुँच गया। तो फिलहाल आपको 67 नजर आएगा, ध्यान रखिएगा ये 90 भी हो सकता है। डेफिनेटली क्योंकि नया अभी भी लॉन्च हुआ है, तो खासकर जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं जो कि सीट लेना चाहते हैं, नॉर्थ इंडिया में लेना चाहते हैं और साउथ में नहीं जाना चाहते, मैं कहूँगा 200-250 नंबर वाले, 180 नंबर वाले, बिकॉज उत्तराखंड में पहले 2 ही कॉलेज थे, तो हमें पता चले कि राउंड 1 में कट ऑफ काफ़ी ऊपर थी। और हमें यही था कि गुरु राम राय भी देखिए 300 तक मिल जाता है, ये जो कॉलेज है ये मुझे पूरी उम्मीद है कि 200 नंबर पे भी आपको शायद मिल जाए। 70 सीटें बहुत है, मुझे तो डाउट है कि उत्तराखंड के भी जो बच्चे होंगे शायद वो रिस्क ना लें इसको लेने का, और उत्तराखंड की सीटें भी आपको मिल सकती है। वो बच्चे जिनके नंबर कम है लेकिन वो नॉर्थ में पढ़ना चाहते हैं, यूपी में बहुत मुश्किल हो गया है, हरियाणा में टाइट है, आदेश के अलावा पंजाब आपको पता ही है नहीं है, तो दिस इज एन ऑप्शन। वही कम नंबर वाले बच्चे जिनको नॉर्थ इंडिया में एक अच्छी लोकेशन, एक साफ सुथरी खूबसूरत लोकेशन में सीट चाहिए, इस साल दोबारा कॉलेज रीलॉन्च हो रहा है, तो ध्यान देंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे, बाकी मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता, तो आप सोच समझ के फैसला कीजिएगा। जैसा मैंने कहा कि शायद ये कॉलेज खासकर ये जो ऑप्शन है उन्हीं के लिए होगी जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी जैसा मैंने आपको दिखा दिया कि उत्तराखंड में अभी काफ़ी सीटें अवेलेबल हैं, तो जो बच्चे प्राइवेट भी लेना चाह रहे हैं और अभी ओपन माइंडेड हैं, गुरु राम राय में भी आपको 60-65 सीटें मिल जाएंगी, बट उसका बजट तो ऑलरेडी 95 लाख रुपीज है ही, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन, अपने एक्शन ले सकते हैं, क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और आप अभी भी हमारा प्रीमियम पैकेज लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल कीजिए 9603362320, और आपको सारी डिटेल और सारी जानकारी दे दी जाएगी ताकि हम आपको लास्ट तक सपोर्ट करें। देखिए मैं इसी वीडियो में यह भी कहना चाहूँगा, कभी कभार लोगों को लगता है, अभी मैं सुबह से 2 क्लाइंट आए कि हमें सब समझ में आ गया यूट्यूब वीडियोज देख देख के, लेकिन मैंने खुद देखा है कि लोग तो पेपर वर्क में भी गलती कर देते हैं। और जैसा कि आपको मैंने भी उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया कि जब इनका स्टार्ट होगी शेड्यूल तो दे आर गिविंग ओनली 2 डेज फॉर चॉइस फिलिंग, ओनली 2 डेज, तो पता चले कि आपको पता ही नहीं चला और आपका चॉइस फिलिंग का टाइम ही निकल गया। देखिए चॉइस फिलिंग 28 तारीख रात को 9 बजे, मतलब प्रैक्टिकली 1 तारीख का टाइम है आपके पास चॉइस फिलिंग करने का। छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए जरूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर की सलाह और सहायता लें, बाकी आपकी मर्जी है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।